गोल्फ बेसिकली पैसों का खेल है। यहाँ अच्छा खेलने का रिवॉर्ड पैसा है और काफी सारा पैसा है। यूएस में एक एवरेज गोल्फ टूर्नामेंट का प्राइज मनी होता है $1 मिलियन। $1 मिलियन मतलब हिंदुस्तानी 75 करोड़ रुपए। ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मैंने गोल्फ के बारे में बेसिक जानकारी देने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा ऐसा ये मानना है कि बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वक्त निकालकर देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। तो चलिए गोल्फ कोर्स पे चलते हैं और गेम को देखते हैं। टूर्नामेंट का दूसरा दिन, कल कड़ी धूप थी, चला भी नहीं जा रहा था, और आज तगड़ी बारिश अभी रुकी है। पर धूप हो या बारिश, ये गेम रुकता नहीं है, इसको ये चलता ही रहता है। बारिश बंद, चलिए कोर्स पे चलते हैं। डाउट तो नहीं है। पार फोर होल पे करण आ गया है अपने दूसरे शॉट के लिए, एंड गुड शॉट। अभी इसके पास 2 स्ट्रोक्स पड़े हैं होल में बॉल डालने के लिए, एक में कर ले तो एडवांटेज है। तो बेसिकली ये गेम इतना सा है, वो सामने जो प्लेयर्स खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं टी बॉक्स, वहाँ से गेम स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो मैनिक्योर्ड लॉन जैसा ग्राउंड है, इसको फेयरवे बोलते हैं, वहाँ से बॉलें मार के फिर यहाँ बॉल आती है। और इसके आगे है एक कारपेट जैसा होता है, आपको चल के दिखाता हूँ। इसके आगे है वो ग्रीन, जिसके ऊपर एक है होल। तो टी बॉक्स से स्टार्ट करके होल को, जितने स्ट्रोक्स में आप बॉल को होल में डालोगे वो है आपका इस होल का स्ट्रोक, वो है आपका इस होल का स्कोर। और ऐसे ही 18 फेयरवेज हैं, 18 होल्स हैं, और उन सारों को ऐड करके आपके एक राउंड का स्कोर बनता है। आपके जितने कम स्कोर होते हैं आप उतने अच्छे प्लेयर हो। और ये सिलसिला 2 से 4 दिन तक चलता है मैच के फॉर्मेट के अनुसार। और एट द एंड ऑफ 72 होल्स जब फाइनल स्कोर काउंट किया जाता है तो वो है मैच का स्कोर। और हर एक जो फेयरवे है, हर एक जो होल है, उसको एक एक्सपर्ट डिज़ाइन करता है, और उसमें डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी डाली जाती है। ये सामने जो रेत के बंकर दिखाई दे रहे हैं वो डाले जाते हैं, साइडों में पेड़ लगाए जाते हैं, और ये सब कुछ इस तरह से प्लान्ड होता है कि वो एक खेलने वाले की डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को बढ़ाता जाए। तो अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इतने बड़े 70-80 एकड़ के इस प्लेग्राउंड को मेंटेन कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। ये सामने है लोअर अरावलीज चारों तरफ से, और बीच में बना हुआ ये गोल्फ कोर्स। कई 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है, और मेंटेनेंस काफी डिफिकल्ट होता है, खेलना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। वैसे इतना आसान नहीं है इन गोल्फ कोर्सेज को मेंटेन करना, और इसीलिए ये इतना महंगा गेम है। ये इनके इसके अंदर ही है, इसके वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बना हुआ है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी हुई है, और स्प्रिंकलर के हिसाब स्प्रिंकलर की मदद से इस पे वाटर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इस कोर्स को ग्रीन रखना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में इस मौसम में इसे ग्रीन रखना उतना ही मुश्किल है। और ये एक स्पेशलाइज मशीन है घास काटने के लिए, इनकी मोनोपोली है टोरो वालों की, और इसको चलाना भी एक स्किल है, और इस पे एक पर्टिकुलर लेवल में ही घास को काटा जाता है, ताकि पूरे कोर्स का जो गेम है वो प्रेडिक्टेबल तरीके से चलता रहे। कैसे हो भाई? बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इन कटर है कि फेयरवे कटर है? फेयरवे कटर है। फेयरवे से काटते हैं, और दिन में कितनी घास काट लेता है ये? 9 होल की काटते हैं। 9 होल की? 9 होल मतलब तकरीबन 3-3.25 किलोमीटर घास काट लेते हैं। हाँ जी, ज्यादा ही है। ज्यादा, इससे ज्यादा। और इतनी पावरफुल ये मशीन है, और ये मोनोपोली है इनकी,
क्योंकि इसका जो प्रेसिशन है वो कोई और नहीं कर पाता है। और मशीनों के अलावा कई सारे ऐसे काम हैं जो आदमी को हाथ से ही करना पड़ता है। और ये रेत देख रहे हैं आप कितनी सफ़ेद है। ये रहे वर्कर्स जो इस गोल्फ कोर्स को मेंटेन करते हैं, अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। अब अगला सवाल कि इस गेम को खेलने का इक्विपमेंट मिलता कहाँ है, क्योंकि शहरों में बाज़ारों में तो गोल्फ से रिलेटेड सामानों की दुकानें हैं नहीं। चलिए लगे हाथों वो भी दिखा देता हूँ। ये एक प्रो शॉप का मतलब जो गोल्फ से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो इन शॉप्स में मिलता है। ये इस गोल्फ कोर्स पे ये प्रो शॉप है, क्योंकि ये गेम अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है तो बाहर इसकी दुकानें नहीं मिलती हैं। ये दुकानें आपको आमतौर पे, ये शॉप्स आपको आमतौर पे गोल्फ कोर्सेज पे मिलेंगे। एंड दिस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द बेटर वंस, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स भी देखे हैं। वापस गोल्फ कोर्स पे, और ये प्लेयर्स अपना एक होल ख़त्म करने के बाद अगले होल की तरफ जा रहे हैं। खाने पीने के लिए सर ये आपकी घूमती रहेगी, हाँ, हर आध घंटा पौन घंटा में आपसे मिलती रहेगी। वेरी गुड, थैंक यू। अभी गेम स्टॉप किया हुआ है क्योंकि काफी तगड़े वाली लाइटनिंग शुरू हो गई थी। ये एक रीजन है जिसके लिए इस गेम को हॉल्ट किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ओपन ग्राउंड है और कहीं भी लाइटनिंग कंडक्टर्स नहीं है तो वो डेंजरस हो जाता है। अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर होगा गेम रिकमेंस होगा। और वो हैं गोल्फ सेट्स उन प्लेयर्स के जो अभी शेल्टर में हैं, छतरियां लगा के उनको वहीं पे छोड़ दिया है और गेम के रिकमेंड होने की वेट कर रहे हैं। ये और ऐसे कई सारे जानवर आपको कोर्स पे घूमते हुए दिखाई देंगे। ना प्लेयर्स को इनसे कोई प्रॉब्लम है, ना इनको प्लेयर्स से कोई प्रॉब्लम है। और कितना बड़ा मोर है यार, ये तो मिनी मोर टाइप लग रहा है। और सामने दिस इज द एंड ऑफ अरावलीज, कैन यू बिलीव इट, हिमालयाज ऐसे आके खत्म होते हैं, इसके बाद बाई तरफ पूरी प्लेन्स है। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि गोल्फ बेसिकली पैसों के लिए खेला जाता है और इसका रिवॉर्ड, अच्छा खेलने का रिवॉर्ड भी पैसा है। $1-1 million के, $2-2 million के टूर्नामेंट्स होते हैं बाहर। हालांकि ये $2 million सिर्फ जीतने वाले को नहीं मिलता है, पहले 60 लोगों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसका एक बड़ा शेयर जीतने वाले के पास जाता है। बट ये रकम बहुत बड़ी है और इसकी रैंकिंग भी ग्लोबल होती है, और इसकी रैंकिंग डिसाइड करती है इस बात पे कि आपने उस सीजन में पैसा कितना कमाया है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक मैच जीत गए और रैंकिंग में आगे आ गए। अगर कोई प्लेयर कॉन्सिस्टेंटली टॉप 10 में आ रहा है तो हो सकता है वो वर्ल्ड नंबर 1 है हो। तो बेसिकली इसकी रैंकिंग पैसों पे ही डिसाइड की जाती है। और हाँ, जानकारी जितनी भी कम हो, ये गेम इंडिया में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। आज की डेट में इंडिया में 200 से ज़्यादा गोल्फ कोर्सेज हैं और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी अब इस गेम को खेलने लग गए हैं, तो इस गेम का फ्यूचर तो बहुत बड़ा है। इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है और शिकायत फिर से मेरी वही है कि ये एक फीडबैक सा अगर मुझे मिल जाता तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाता। बट चलिए, खैर ये तो बाद की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।